किसी भी सीन को जब आप देखते हैं, भले वो फिल्म में हो, टीवी में हो, वेब सीरीज में हो, शॉर्ट फिल्म में हो, हर सीन में जो भी शॉट्स आप देखते हैं उसके एक पर्टिकुलर एंगल्स होते हैं और मूवमेंट्स होते हैं। उनके एंगल्स पे तो मैंने पहले भी वीडियो आपको दिखाया, थंबनेल शेयर कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे रहा हूँ। इन वीडियोस को देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा टेक्निकली, भले आप एक्टर हों, राइटर हों, डायरेक्टर हों या फिल्म मेकर हों, आपको बहुत फायदा पहुंचेगा। आज मैं बात करने वाला हूँ कैमरा मूवमेंट्स के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइन फिल्म डॉट कॉम। मैं हूँ आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो इंटरेस्टिंग भी है, इन्फॉर्मेटिव भी है, नॉलेज से भी भरा हुआ है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो भी सीन शूट किया जाता है उसमें जब शॉट्स लगते हैं उसके जो मूवमेंट्स होते हैं उसकी टेक्निकल बातें डिटेल में बताने वाला हूं, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कैमरा मूवमेंट की, कि किसी भी सीन में कब और क्यों किस तरह के कैमरा मूवमेंट का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बेसिक कैमरा मूवमेंट होते कितने तरह के हैं। पहला है पैन, फिर होता है टिल्ट, जूम, पेडेस्टल, डॉली, ट्रैकिंग, स्टडी कैम या फिर फ्लोटिंग कैम, क्रेन या फिर जिमेजिप, रैक फोकस। आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो रहे होंगे, थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी आ रहा होगा कि यार ये कितने तरह की शॉट होते हैं। मैं हमेशा फिल्म इंडस्ट्री की नॉलेज वो देता हूं जॉइंट फिल्म्स में, जिससे कि आपको इंडस्ट्री को, इसकी टेक्निकल चीजों को करीब से जानने का मौका मिले। अब इन सारे शॉट्स को हम डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे कि पहला है पैन शॉट। पैन शॉट में कैमरा ट्राइपॉड या फिक्स हेड पर होता है और इसमें कैमरे का मूवमेंट हॉरिजॉन्टल होता है, यानी कैमरा लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट में मूव करते हैं। पैन शॉट का यूज कैरेक्टर को फॉलो करने में या किसी भी सीन में नई इंफॉर्मेशन को रिवील करने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही पैन शॉट का यूज लोकेशन को एस्टेब्लिश करने में भी किया जाता है। इसे ओल्ड सिनेमा शॉट भी कहा जाता है, क्योंकि सिनेमा की शुरुआत से ही फिल्म मेकर इस कैमरा मूवमेंट शॉट को यूज करते आ रहे हैं। तो पैन शॉट ओल्ड इज गोल्ड शॉट है। टिल्ट शॉट, पैन की तरह ही टिल्ट में भी कैमरा फिक्स हेड पर होता है। इसमें कैमरा के व्यू को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को चेंज किए बिना ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर शिफ्ट करते हैं, यानी कि कैमरा को वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करते हैं। यहाँ पैन शॉट और टिल्ट शॉट में एक बात ध्यान रखने वाली है कि कैमरा को मूव करने से मतलब है उसे डायरेक्शन देना। कैमरा अपनी जगह से मूव नहीं करता है, कैमरा एक जगह पर फिक्स होता है। टिल्ट शॉट का यूज सब्जेक्ट या कैरेक्टर को रिवील करने के लिए किया जाता है। थर्ड है जूम शॉट। जूम, जैसा कि नाम से ही आप समझ गए होंगे, इस मूवमेंट में एक शॉट में लॉन्ग शॉट से क्लोज शॉट में जूम इन करते हैं। इसके अलावा जूम आउट करते हुए आप क्लोज से लॉन्ग शॉट में भी जा सकते हैं। जूम का यूज हॉरर या थ्रिल दिखाने के लिए किया जाता है। जब भी हम किसी कैरेक्टर के फेस पर फास्ट जूम करते हैं तो उससे ड्रामा और एनर्जी बिल्टअप होती है। फोर्थ है पेडेस्टल। पेडेस्टल मूवमेंट में कैमरा किसी पेडेस्टल पर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर मूव होता है। जैसा कि हमने टिल्ट मूवमेंट में बताया था कि कैमरा फिक्स होता है, बस उसे अप या डाउन डायरेक्शन देते हैं, लेकिन पेडेस्टल मूवमेंट में पूरा कैमरा ही अप या डाउन होता है। इसका यूज किसी बड़े सब्जेक्ट या लंबे कद के कैरेक्टर को शूट करने में किया जाता है। साथ ही साथ अगर किसी नई इंफॉर्मेशन को दिखाना है तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। Well, I guess that should do it. Fifth है डॉली। इसमें पूरे कैमरे को फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव किया जाता है। इसमें कैमरा किसी ट्रैकिंग या मोटराइज्ड व्हीकल पर रख दिया जाता है। डॉली मूवमेंट दो तरह के होते हैं, डॉली इन और डॉली आउट। डॉली इन में कैमरा सब्जेक्ट या करेक्टर की तरह मूव करता है और डॉली आउट में कैमरा सब्जेक्ट से दूर जाता है। डॉली इन का यूज किसी भी करेक्टर के रिएक्शन, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और थॉट को दिखाने के लिए किया जाता है। फिल्मों के साथ साथ टीवी सीरियल में भी डॉली मूवमेंट का इस्तेमाल बहुत होता है। सिक्स्थ है ट्रैकिंग। डॉली शॉट की तरह ट्रैकिंग में भी कैमरा किसी ट्रैक पर फिक्स होता है। ट्रैकिंग में पूरा कैमरा लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट मूव होता है। इस शॉट में कैमरा ट्रैक पर किसी भी मूविंग सब्जेक्ट के साथ चलता है, उसे फॉलो करता है। पुराने समय में जब कैमरा बहुत बड़े बड़े होते थे तो उन्हें हाथ में रखकर मूव नहीं कर सकते थे, तो ट्रैकिंग की मदद से ही करेक्टर को फॉलो किया जाता था। लेकिन आजकल लाइट वेट कैमरा और स्टडी कैम के आ जाने से ट्रैकिंग शॉट स्टडी कैम से भी लिए जाने लगे हैं। सेवंथ है स्टडी कैम फ्लोटिंग कैम। इस तरह के मूवमेंट के लिए कैमरा को स्टडी कैम डिवाइस में माउंट किया जाता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। स्टडी कैम की मदद से कैमरा अभी डायरेक्शन में मूव करते हैं। आजकल की फिल्मों में स्टडी कैम का यूज बहुत ज्यादा होता है और सॉन्ग्स में भी होता है। इससे स्मूथ शॉट के साथ साथ अलग अलग शॉट की वैरायटी भी मिल जाती है। इसमें किसी सब्जेक्ट को ट्रैक भी कर सकते हैं, कैरेक्टर को फॉलो भी कर सकते हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म में स्टडी कैम का यूज बहुत किया गया है। नवाज का ये सीन
स्टडी कैम पर ही शूट हुआ है। 8th है क्रेन और जिप। इसमें कैमरा किसी क्रेन या जिप पर माउंट होता है। इसकी मदद से कैमरा जमीन से काफी ऊपर तक ले जा सकते हैं, जिससे पूरी की पूरी लोकेशन को दिखा सकते हैं। क्रेन और जिप की मदद से एस्टैब्लिश शॉट होते हैं, हाई एंगल शॉट होते हैं, बर्ड आई शॉट लिए जाते हैं। जब भी किसी क्राउड को दिखाना चाहते हैं तो क्रेन या जिमी जिप का ही इस्तेमाल किया जाता है। 9th है रैक फोकस। वैसे तो रैक फोकस टेक्निकली कैमरा मूवमेंट नहीं है, लेकिन इस टेक्निक की मदद से किसी भी सीन के व्यू को पर्सपेक्टिव बदलने में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हमने इसे भी लिस्ट में शामिल किया ताकि आप समझ सकें कि रैक फोकस क्या है। रैक फोकस एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एक शॉट में कैमरे को आप फोकस एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पर शिफ्ट किया जाता है। फिल्म मेकर इसका यूज अलग अलग तरह से करते हैं, जैसे कोई शॉट स्टार्ट में ब्लर है या फिर उसका फोकस फोरग्राउंड पर है और बाद में फोकस को सब्जेक्ट पर शिफ्ट करेंगे। इससे एक दर्शक का फोकस भी सब्जेक्ट पर शिफ्ट हो जाएगा। इसके अलावा दो करेक्टर जब आपस में बात कर रहे होंगे तब भी एक करेक्टर से दूसरे करेक्टर पर फोकस शिफ्ट किया जा सकता है। तो ये थे कुछ बेसिक कैमरा मूवमेंट। मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि मैं आप सभी लोगों को जो नए लोग फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उनको फिल्म इंडस्ट्री के बारे में वो सारी जानकारी दे दूं जिससे उनके अंदर एक आत्मविश्वास आ जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए। ये वीडियो डायरेक्टर्स के लिए अच्छा है, राइटर्स के लिए अच्छा है कि वो समझ पाएंगे स्क्रीन प्ले लिखते टाइम, फिल्म मेकर्स के लिए बहुत अच्छा है, प्रोडक्शन में जो जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, एडिटर्स के लिए बहुत काम का वीडियो है, और साथ ही साथ आज के एक्टर को भी टेक्निकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जितनी ज्यादा आपको टेक्निकल नॉलेज होगी उतना ज्यादा आप कंफर्टेबल फील करेंगे जब आप शूटिंग पे जाएंगे, क्योंकि अगर डीओपी ने डायरेक्टर ने आपको बोला कि यार वो मूवमेंट ले रहा हूं मैं फोकस शिफ्ट करूंगा तो ये टेक्निकल वर्ड्स आपको समझ में आएंगे तो आप नर्वस नहीं होंगे, आपको ऐसा नहीं लगेगा ये क्या नई चीज आ गई, ये कौन सी नई लैंग्वेज आ गई, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। मेरा मकसद और मतलब सिर्फ इतना है कि जब भी फिल्म इंडस्ट्री के करीब आप जाना चाहें तो आपके पास वो सारी जानकारी सारी नॉलेज होनी चाहिए जिससे कि आप इजीली काम कर पाए। देखिए एज एन एक्टर अगर आपके पास ये सारी जानकारी होगी तो क्या होगा, डायरेक्टर जब आपको बता रहे होंगे तो आप इजीली समझ पाएंगे या आप डायरेक्शन से डिस्कशन भी कर सकते हैं। इसी बात पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा वो मैं आपको सुनाता हूं। फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में एक सीन था, उस सीन में नवाज को एक छत से कूदकर नीचे दूसरी छत पर कूदना था, पूरा शॉट एक ही टेक में लेना था, इसलिए नवाज के साथ साथ कैमरामैन को भी स्टेडीकैम लिए हुए नीचे छत पर जाना था। तो नवाज को और कैमरामैन दोनों को तार से बांधा गया, लेकिन इस शॉट में प्रॉब्लम यह हो रही थी कि कैमरामैन और नवाज दोनों एक साथ नीचे नहीं पहुंच पा रहे थे, कभी नवाज पहले कूद जाते थे तो कभी कैमरामैन। तो नवाज ने देखा कि स्टेडीकैम की वजह से यह टाइमिंग की प्रॉब्लम आ रही है, दोनों की टाइमिंग मैच नहीं हो पा रही है। तो नवाज ने कहा कि मैं बिना रस्सी के ही कूदूंगा जिससे टाइमिंग मैच हो जाएगी। तो फिर नवाज ने जब रस्सी निकाल दी और स्टेडीकैम के लिए कैमरामैन की टाइमिंग के हिसाब से वो छत पे कूदे तो शॉट वन टेक में ही हो गया। तो इस केस स्टडी से, इस किस्से से एक प्रैक्टिकल बात तो आप समझ गए होंगे कि एज एन एक्टर आपको जितनी ज्यादा टेक्निकल नॉलेज होगी उतना ज्यादा इजी होगा काम करना, जैसे कि यहां पर नवाज को वो नॉलेज थी। तो अगर आप टेक्निकली चीजों को समझते होंगे, कैमरा मूवमेंट को समझते होंगे, किस तरह से शॉट लेना ये समझते होंगे तो आप क्या करेंगे, टीम बनकर टेक्निकल लोगों के साथ काम करेंगे। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप पूरी टीम पर, प्रोडक्शन पर अपनी एक छाप छोड़ देंगे। टेक्निकल लोग, क्रिएटिव लोग सब आपके साथ काम करना चाहेंगे और फिर आपके पास काम की कोई कमी नहीं होगी। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा ये टेक्निकल वीडियो आपको कैसा लगा और किस तरह के आप टेक्निकल वीडियो देखना चाहते हैं ये भी बताइएगा, उस तरह के वीडियो लेकर आऊंगा। अगर चैनल से पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को बार बार आकर देखने के लिए, लोगों के साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे, भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। I will join.